हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो भी सच में काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में हम खरीदने जा रहे हैं एक और एरोप्लेन। जी हाँ गाइज, पिछली वीडियो में हमने सिंगल इंजन एरोप्लेन खरीदा था जिसका नाम था कैसीना 172 सिंगल इंजन एरोप्लेन। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा अच्छा एरोप्लेन खरीदने वाले हैं। जी हाँ गाइज, काफ़ी दिन हो गए एरोप्लेन के, तो एक नया एरोप्लेन आज हम खरीदने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट पे और खरीदते हैं एक नया एरोप्लेन और आपको दिखाएंगे कि वो एरोप्लेन कौन सा है। तो यहाँ से फटाफट से एक बाइक निकाल के चलते हैं एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से देख सकते हो फटाफट से, यहाँ पे आगे में एक गैरेज आ चुका है, तो यहाँ से फटाफट जाएंगे एयरप्लेन को खरीदने के लिए। तो यहाँ से खोलते हैं अपने गैरेज को और निकालते हैं अपनी बाइक। इस गैरेज में मैंने होंडा बाइक रखी हुई है, होंडा गाइस, होंडा हेंडा जो भी बोलते हो आप लोग, समझ लेना ये वाली बाइक है, ब्लू कलर में, काफ़ी मस्त लगती है। तो फटाफट से चलते हैं इसी से एयरपोर्ट पे और वहीं पे खरीदेंगे हम एयरप्लेन। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से चलते हैं एयरपोर्ट का। और हाँ गाइस, आज तक मुझे ये बात पता नहीं चली है कि यार एयरपोर्ट की एंट्री कहाँ से होती है। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बोला था यार, आज तक पता ही नहीं चला यार एयरपोर्ट की एंट्री होती कहाँ से। एयरपोर्ट की एंट्री यार जहाँ मन तहाँ से घुसा दो यार, इधर से पहाड़ से घुसा देता हूँ कभी कभी। तो यहाँ से ज़्यादातर मुझे बुगाटी वगैरह गाड़ियाँ ले जानी होती है सेफ करके, तो मैं यहीं से निकालता हूँ। और अभी जैसे कि बाइक से निकाल रहा हूँ, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा, काफ़ी महंगी बाइक है ये भी। तो यहाँ से सीधे चलते हैं एयरप्लेन, जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को रोकते हैं फटाफट से। और यहाँ पे आ चुका है हमारा, और ये बाइक रुक नहीं रही है यार, यार इतनी स्पीड, यार इसके ऊपर भी लगता है मुझे स्पीड टेस्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसे फटाफट से रोकते हैं। अबे यार ये रुक नहीं रही है यार, यहाँ से ब्रेक मारे हो मैं, और भाई साहब रुक जा। और ये गाइस रुक चुकी है काफ़ी आसानी से, और यहाँ से हम फटाफट से एयरप्लेन खरीद। गाइस आपको नहीं लग रहा कुछ मैंने गलती की है? तो गाइस एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एटीएम से निकालना भूल गया हूँ। तो फटाफट से चलते हैं एटीएम के पास और मैं पैसे निकाल के लाता हूँ। तो फटाफट से चलते हैं, आपको मिलते हैं एटीएम के पास। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं अब एटीएम के पास, और यहाँ से वो अपने एटीएम से पैसे निकालेंगे। और ये बाइक आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो फटाफट से इसे बैक करते हैं और एटीएम के पास चलते हैं पैसे निकालने के लिए। तो यहाँ से इसे तोड़ते हैं और फटाफट से यहाँ से चलते हैं एटीएम के पास। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार मुझसे, यार मैंने पैसे लिए ही नहीं और चला गए बाइक खरीदने के लिए, सॉरी गाइस बाइक नहीं एरोप्लेन खरीदने के लिए। तो अब पैसे ले लेते हैं और चलते हैं एटीएम के पास। तो भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं एटीएम के, अब फटाफट से अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं यार, 6138 रुपये हैं। तो फटाफट से चलते हैं, बैठते हैं अपने बाइक पे और चलते हैं अब एयरपोर्ट पे एयरप्लेन खरीदने के लिए। तो यहाँ से फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट पे और एयरप्लेन को हम खरीद के रहेंगे यार, बहुत मस्त एयरप्लेन आज हम खरीदने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गए थे एयरप्लेन के, पुराने वाले एयरप्लेन के काफ़ी दिन हो चुके थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था गाइस एक नया एयरप्लेन होना चाहिए। तो आज हम नया एयरप्लेन खरीदेंगे और यहाँ से टकरा रहे हैं। ओ बे यार, यार हम गिर चुके हैं नीचे और बाइक हमारी टूट चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है यार रिपेयर करवाना पड़ेगा नीचे, यहाँ पे गिर चुकी है हमारी बाइक। तो यहाँ से फटाफट से लेके चलते हैं, यहाँ से बैठते हैं इस पर फटाफट से और यहाँ पे निकलते हैं अब और सीधा यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट पे, यार कोई मुसीबत ना आए यार बहुत। और यहाँ से सीधे से हम आ चुके हैं वापस से इस ब्लू वाले मार के पास, जहाँ पे एयरप्लेन हमें मिलता है। तो यहाँ से रोक देते हैं यार, ये गाड़ी है या क्या है यार, रुकती नहीं है यार, बहुत बदतमीजी करती है यार ये गाड़ी, रुकती नहीं है। तो यहाँ से फटाफट से, ओ भाई साहब अरे रुक जा यार, तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, अब हम फटाफट से एक एरोप्लेन खरीदते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो अब ये वाला जो एरोप्लेन है यार, ये मैंने सेलेक्ट करके रखा था यार, कोई मुझे सेलेक्ट नहीं करना, ये मैंने सेलेक्ट करके ही रखा था। इसका नाम जो है वो है B-29 सुपर फोर्ट्रेस एरोप्लेन। जी हाँ गाइज, ये है 5000 का, तो इसे हम फटाफट से खरीद लेते हैं। और हाँ गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, इस वीडियो में मैं बस इसे खरीद रहा हूँ, अगले वीडियो जो होगी वो होगी इसकी ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। तो अभी इसे खरीदते हैं और आपको इसका लुक दिखा देता हूँ यार, ये कैसा दिखता है। तो ये दिखता है कुछ इस टाइप का, ये वाला एरोप्लेन है। तो इसे स्पैन करेंगे हम दूसरी वीडियो में, और आप लोग तब तक वेट करो। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना,
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।